कहानी डार्क वेब पर पड़ी उन 13 कर्स सेल्फीज के बारे में है जिनको देखने के बाद देखने वाले के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं और फिर डीमन उनको उनकी बॉडी के अंदर हमेशा के लिए कैद कर देता है। फिल्म की शुरुआत में हम जूलिया को देखते हैं जो अपनी वीडियो में हेल्सिली की सेल्फीज के बारे में बात कर रही है। वो कहती है कि जो भी इन सेल्फीज को देखता है वो बहुत बुरी तरह मर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हैना को देखते हैं जो रेडी होकर आती है और अपने कंप्यूटर पर काम करने शुरू करती है। दरअसल ये एक ब्लॉगर है। अब उसकी मदर की डेथ हो चुकी है और ये घर में अकेली रहती है। ये काम कर रही होती है तो उसे ट्रीवर की कॉल आती है जो उसका फ्रेंड भी है और कोलीग भी। बातें करते हुए ट्रीवर हैना से पूछता है कि तुम्हारी जो कजन आ रही थी तुमसे मिलने, क्या वो आ गई? हैना कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड मार्क बीमार है, इस वजह से वो नहीं आ सकी। एक तो दो दिन में वो आ जाएगी। ये दोनों जूलिया की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हैना जूलिया को लेने एयरपोर्ट जाती है। हैना जूलिया से मिलकर बहुत खुश होती है। गाड़ी में बैठकर जब वो घर के लिए निकलती हैं तो हैना मार्क के बारे में पूछती है जिससे जूलिया अपसेट हो जाती है। हैना जूलिया को चीयर अप करने के लिए सेल्फी लेने लगती है लेकिन जूलिया उसे मना कर देती है। जूलिया एक लिंक इंटर करती है जिसके एंड पे डॉट एनियन आता है। हैना के पूछने पर वो कुछ नहीं बताती और डाउनटाउन ईस्ट का पूछती है जो कि खतरनाक जगह है। इस वीर्ड बिहेव से हैना परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर वो दोनों घर आ जाती हैं। लास्ट ईयर जूलिया हैना के घर आई थी हैना की मदर को लुक अफ्टर करने के लिए। वो हैना को कहती है कि तुम्हारा घर बिल्कुल इसी तरह जैसे पिछले साल था। फिर हैना जूलिया को उसके रूम में जाने का कहती है और खुद किचन में चली जाती है उसके लिए चाय बनाने के लिए। जूलिया को वहां लगता है कि उसके आगे पीछे कोई और मखलूक है, कोई और दुनिया है, कुछ पैरानॉर्मल चल रहा है। वो फोन के ऊपर अपनी और मार्क की पिक्चर देखकर रोने लगती है। और हाँ, याद रखिए कि फोन की स्क्रीन पर स्क्रैच पड़े हुए हैं। हैना किचन में होती है तो उसे जूलिया की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो भागते हुए रूम में आती है और देखती है कि जूलिया फर्श पर बेहोश पड़ी है। जूलिया बेचारी के साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा था। हैना डॉक्टर को बुलाती है और वो कहता है कि जूलिया की ये हालत किसी इन्फेक्शन की वजह से हुई है और जल्द ही ये ठीक हो जाएगी। हैना अपने रूम में जाकर सो जाती है और सुबह उठते ही जूलिया को देखने आती है। जूलिया उसी तरह बेहोश पड़ी है और उसकी बॉडी भी गर्म हो रही है। फिर वो रेडी होकर अपना काम करने लगती है। उसे जूलिया के मैसेज आता है। वो समझती है कि जूलिया की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई है तो उसने मैसेज किया है। उसके रूम में जाती है तो देखती है कि जूलिया तो बेहोश है। उसका फोन ढूंढती है जो बेड के नीचे से मिल जाता है। जूलिया सो रही थी तो ये टेक्स्ट किसने किया? सोचने वाली बात तो है ना। हैना गार्डन में बैठे बुक रीड कर रही होती है तो उसे एक वॉइस मैसेज मिलता है जो जूलिया के नंबर से आया था। इस वॉइस मैसेज में अजीब डिस्टॉर्शन की आवाज़ थी। वो फौरन से उसके रूम में जाती है और देखती है कि जूलिया तो सो रही है। फिर वो अपने कंप्यूटर पर डॉट अनियन सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ये तो डार्क वेब पे यूज होने वाली डोमेन का सफिक्स है। वो डॉट अनियन वाली साइट को एक्सेस करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। मजीद रिसर्च करने पर उसे पता चलता है कि डॉट अनियन वाली साइट तक एक्सेस के लिए उसे टॉर ब्राउजर की जरूरत है। वो टॉर ब्राउजर इंस्टॉल करती है लेकिन डॉट अनियन को फिर भी एक्सेस नहीं कर पाती। फिर रात हो जाती है। वो फ्रेश होकर सोने लगती है। उसे अपने फोन पर एक डिस्टॉर्टेड वीडियो रिसीव होती है जो कि जूलिया की है। वो डर जाती है और जूलिया को देखने जाती है। जूलिया के जिस्म ठंडा हो रहा था और वो बेहोश पड़ी हुई थी। फिर वो देखती है कि उसके घर का मेन डोर ओपन है। वो हिम्मत करके उधर जाती है और डोर बंद कर देती है। नाइफ उठाकर सारे घर की लाइट्स ऑन करती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जूलिया के आने के बाद हैना का कुछ सुपरनेचुरल फील हो रहा था लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। नेक्स्ट डे वो ट्रीवर को कॉल करके रात वाला इंसिडेंट बताती है। उसे कहता है कि तुम पुलिस को बुलाती। फिर उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में पूछती है। ट्रीवर भी इन सब पर बिलीव करता है। फिर वो अपने काम में बिजी हो जाता है। कॉल कट हो जाती है। फिर हैना डॉट अनियन साइट को एक्सेस करती है लेकिन नहीं कर पाती। फिर वो यूट्यूब पर जूलिया के कुछ वीडियोस को देखती है। वो देखती है कि जूलिया बात कर रही है कि पहली सेल्फी 1839 में अमेरिकन फोटोग्राफर के गाइड रॉबर्ट कार्नेलियस ने ली जो कुछ और नहीं उनका ही सेल्फ पोर्ट्रेट था। और फिर जूलिया कहती है कि बाकी सब वो नेक्स्ट वीडियो में बताएगी। हैना नेक्स्ट वीडियो को ढूंढती है लेकिन वो तो मिलती ही नहीं। लेकिन उसे जूलिया की डेथ से रिलेटेड कुछ लिंक्स मिलते हैं और उनमें स्केरी फोटोज होती हैं जूलिया की। वो जूलिया को देखती है। वो उसी तरह बेहोश है लेकिन जब उसे हाथ लगाती है तो उसके हाथों पर खून लगा होता है। वो वॉशरूम में जाती है और हैंड वॉश करने लगती है लेकिन वहाँ ब्लड नहीं था। ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। वो डर जाती है और फिर ट्रीवर के घर जाती है। उसे बताती है कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है और जूलिया से रिलेटेड है। उसे डार्क वेब की रिसर्च के बारे में बताती है। ट्रीवर कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता और जब जूलिया जाने लगती है तो हेल्प करने के लिए अग्री हो जाता है।
डार्क वेब में कोई सर्च इंजन नहीं होता और डार्क वेब एक बहुत खतरनाक साइट है। ट्रिवर उसे डार्क वेब के एक चैट रूम का लिंक सेंड करता है। घर आकर हैना जल्दी से उस लिंक को ओपन करती है तो उसे डार्क वेब पर एक्सेस के लिए पर्सनल डाटा देना था। हालांकि ट्रिवर ने उसे कुछ भी पर्सनल शेयर करने से मना किया था। हैना से उसका नाम पूछा जाता है, वो गलत नाम एंटर करती है लेकिन वो ये नाम एक्सेप्ट नहीं करते। फिर उसे अपना रियल नेम बताना पड़ता है। फिर उसे उसकी सीक्रेट डिजायर का पूछा जाता है। वो लिखती है कि किसी स्ट्रेंजर के साथ सारी रात स्पेंड करना। फिर उसे पूछा जाता है कि उसका सबसे बड़ा डर क्या है। वो लिखती है कि जिंदगी में अकेला रह जाना। इन सब सवालों के सही जवाब देने के बाद उसे चैट रूम का एक्सेस मिल जाता है। ये कोई नॉर्मल चैट रूम नहीं था, यहाँ कुछ पैरानॉर्मल जरूर चल रहा था। वो ब्लैक रूम को सर्च करती है लेकिन वो नहीं मिलता। इस साइट पर वो अपना यूजर नेम लोरी रखती है। फिर वो उस कोड को सर्च करती है जो उसने जूलिया के फोन पर देखा था। फिर उसे एक अजीब नाम से टेक्स्ट आता है जो जूलिया के बारे में बात कर रहा था। वो उसे जानता था और उसकी डेट के बारे में बात कर रहा था। शायद वो फ्लाइट डेट का पूछ रहा था जिस डेट को जूलिया ने हैना के घर आना था। लेकिन ये फ्लाइट डेट का उस शख्स को कैसे पता? हैना उससे हेल्प मांगती है जूलिया के लिए। वो उसे कहता है कि यहाँ पर खतरा है, हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, अपना ईमेल सेंड करो। हैना की सबसे बड़ी गलती यही थी, वो अपना ईमेल सेंड कर देती है। फिर इस शख्स की तरफ से एक लिंक आता है। जब उसे ओपन करती है तो उसमें एक क्रीपी डिस्टॉर्टेड इमेज होता है। वो देखकर डर जाती है। फिर हैना के फ्रंट कैमरे से उसकी काफी सारी पिक्चर्स ली जाती हैं और वो डर जाती है। उसकी स्क्रीन पर भी क्रैक पड़ जाता है। यही सब कुछ जूलिया के साथ भी हुआ था। हैना डर कर उठ जाती है। फिर उसे अपने फोन पर एक कॉल आता है। उस आदमी को नहीं जानती थी। हैना डरी हुई थी और उस शख्स को मजा आ रहा था कि हैना डरी हुई है। वो हैना से उल्टी सीधी बातें करता है जिससे वो और ज्यादा डर जाती है। इस कॉल करने वाले का यूजर नेम फियर ईटर है। वो हैना को कहता है कि जूलिया का बॉयफ्रेंड मार्क मर चुका है और अब मरने की बारी जूलिया की है और जूलिया के बाद तुम मर जाओगी। हैना फोन कट करके मार्क को फोन करती है। वहां उनसे पता चलता है कि मार्क बीमार नहीं बल्कि मर चुका है, इसी वजह से जूलिया सैड थी। जूलिया क्रीपी लग रही थी और वो उठ जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। हैना डर जाती है और ट्रिवर को घर बुलाती है। वो उसे जूलिया का लैपटॉप देती है और कुछ साइट्स को सर्च करने का कहती है। ट्रिवर जूलिया को रेड रूम दिखाता है जहाँ पर डार्क वेब का सबसे डार्क डाटा पड़ा हुआ है। उसे बताता है कि हम रेड रूम में पैसे देकर किसी को देख सकते हैं तो ब्लैक रूम में किसी से परफॉर्म भी करवा सकते हैं। वो हैना को कहता है क्या तुम्हें ब्लैक रूम का URL चाहिए? वो कहती है कि मेरे पास है। ट्रिवर को शक था कि कहीं हैना ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना डार्क वेब पे शेयर कर दी हो। हैना ट्रिवर को सब सच बता देती है। फिर वो किचन में कॉफी बनाने जाती है तो उसे कुछ क्रीपी इमेजेस और सेल्फीज नजर आती हैं। अब उन्हें जूलिया की अनरिलीज्ड वीडियो मिल जाती है जो कि सेल्फी फ्रॉम हेल का पार्ट 2 है। वो बताती है कि वो सेल्फी फ्रॉम हेल के ओरिजिन को ढूंढने के लिए डार्क वेब पर गई। वहां उसे फियर रीटर नाम का बंदा मिला। उसने ब्लैक रूम का URL दिया और प्रॉमिस किया कि वो मार्क को बचाएगा। यानी ये सब पहले मार्क के साथ हुआ, फिर जूलिया के साथ और अब हैना के साथ। जूलिया वार्न करती है कि वो ब्लैक रूम के उन 13 सेल्फीज को ना देखें। वो देख लेने के बाद उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है, यहाँ कुछ सुपरनेचुरल जरूर था। मार्क को बचाने के लिए ही जूलिया ने डाउनटाउन ईस्ट का एड्रेस पूछा। अब वो लैपटॉप बंद करते हैं और ट्रिवर सोफे पर सो जाता है और हैना अपने रूम में चली जाती है। आधी रात को ट्रिवर को जूलिया की चीखने की आवाज आती है। वो जाकर देखते हैं कि जूलिया का जिस्म ठंडा पड़ा है और उसे सांस नहीं आ रहा। उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। वहां पता चलता है कि उसका जिस्म ठंडा होने की वजह यह है कि उसके बॉडी ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं और मुश्किल है कि सुबह तक जूलिया सर्वाइव कर पाए। फिर वो वापस घर आ जाते हैं। हैना घर के बाहर से ट्रिवर पर गुस्सा करके उसे जाने का कहती है। अब वो घर में अकेली होती है। हैना को फियर ईटर की कॉल आती है। उसने हैना को घर में अकेला होने का बोला था। वो उसे अकेले छोड़ने के बदले में अपनी मर्जी के कुछ काम करवाना चाहता था। उसे कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, यहाँ पर कोई डीमन या इवल वाला सीन है। हैना को लगता है कि घर में कोई है। उसे आहट सुनाई देती है और उस आहट के पीछा करती है तो उसे टीवी पर जूलिया की क्रीपी इमेजेस दिखाई देती हैं जिन्हें देखने से जूलिया ने मना किया था। अब हैना बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि पियर रूटर उसके रूम में है और उसने हैना के हाथ बांध दिए हैं और वो सर्विस के लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सेट कर रहा है। वो हैना के डर को फील करने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि मुझे डरे हुए लोगों को देखकर बहुत खुशी होती है, मैं 2 साल से डरा नहीं हूँ और डर के बगैर जिंदगी का मजा नहीं है। ये फियर ईटर शैतान का गुलाम है और ये ब्लैक रूम के अंदर लोगों से बुरे काम करवाता है और फिर उन्हें मार देता है। वो डेविल जानता है कि इन सेल्फीज को देखने के बाद उस इंसान के साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है जो पहले मार्क और जूलिया के साथ हुआ है और अब हैना के साथ। जूलिया की रूह थी शायद जो हैना को इमेजेस देखने से मना करती रही, लेकिन हैना बेवकूफ थी। ये फियर ईटर शैतान का गुलाम था और उसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर थी। ये 13 सेल्फीज कर्स्ड सेल्फीज हैं।
वो डेविल है ना कि तेरा सेल्फीज लेने ही वाला होता है कि वहाँ ट्रिवर आ जाता है और उस डेविल के हाथ बांध देता है और हैना को बचा लेता है। अब उस फियर ईटर के फोन की लोकेशन से उसके एड्रेस पर निकल जाते हैं। रास्ते में पता चलता है कि ट्रिवर ने भी वो तेरा का सेल्फीज देखी ही है और उसके फोन पर भी क्रैक है। वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां जूलिया जाना चाहती थी। वहां उन्हें एक कैमरे में कुछ वीडियोस एक फोटो एल्बम मिलती है। वो वीडियो किसी डॉक्टर एडवर्ड की थी। डॉक्टर बताते हैं कि मैं एक अननोन क्रिमिनल पर रिसर्च कर रहा था और उसने मुझ पर ही अटैक कर दिया। ट्रिवर लोकेशन दिखा रहे फोन पर कॉल करता है। उसकी वाइब्रेशन पास से ही आ रही थी। दोनों उस फोन को ढूंढने लगते हैं। हैना को वही क्रिमिनल नजर आता है जिसने डॉक्टर एडवर्ड पर अटैक किया था। हैना बेहोश हो जाती है। ट्रिवर इस डीमन को देखने के लिए काफी पिक्चर्स लेता है। हैना होश में आती है। ये क्रिमिनल ही डीमन है जिसने डॉक्टर पर अटैक किया और लोगों को झांसा देकर अपने कंट्रोल में करता। उसने फियर रूटर को भी कंट्रोल किया हुआ था। अब ये इन दोनों पर भी अटैक करता है और खुद बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जूलिया हैना के साथ एक ब्यूटीफुल पिक्चर में लेटी हुई थी। वहाँ ट्रिवर आता है। हैना उसके पास जाती है तो वो उस डीमन के रूप में आ जाता है। ये हैप्पी एंडिंग नहीं थी बल्कि उनका ड्रीम था। हैना और ट्रिवर दोनों पोजेस्ड थे और उस डीमन ने उन्हें उनकी बॉडी के अंदर ही कैद कर दिया था। इस डीमन ने जूलिया को भी उसकी बॉडी में कैद किया हुआ था। जब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती तो चीखे मारती थी। अब शैतान ने इन दोनों के साथ भी वही किया और अब बाकी दुनिया को तबाह करने के लिए निकल चुका है। और यहीं पर इस हॉरर मूवी की एंडिंग हो जाती है।